लाइब्रेरी का जो काम है ना, जो बेसिकली उसका वो होता है, मोटिव होता है, दो महीने पता नहीं कितने महीने बोल रहे हैं जो गोल मारा है यार। ओ भाई सचिन अच्छा गोल मारा था, गोल मारा था। हाँ यार गोल मारा था मैंने कल के। भाई आखिरकार मेरा ओरियो शेक आ गया है, बाकी बच्चों के लिए। अच्छा तो यार सीन ऐसे कि आज के ब्लॉग करते हैं शुरू में आया हूँ जे की गुलाम सा खान सी समाबी। तो इधर कोई 3 दिन का शो है, अभी आज पहला दिन है, आज जाते हैं बाहर, बाहर जाके सारा सीन आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले आया था मैं, आके मैंने थोड़ा फ्रेश में शो, कपड़े मैंने चेंज किए, निकलते हैं बाहर, आपको यूनिवर्सिटी का टूर देते हैं। आज है मेरा जेकी में पहला दिन और अभी हम जा रहे हैं जेकी का टूर करने के लिए। फिलहाल हमें बॉयज हॉस्टल नंबर 3 में, हॉस्टल 3 में है। ये है शेरजील गाजी जिसका लास्ट सेमेस्टर है। हेलो बॉयज। यार ये मेरे बचपन का चैटी बड़ी हुआ करता था, मैं कोई 1 साल पीछे निकल गया था, 6 महीने फिर मैंने जाया किए, वरना मेरा भी कोई लास्ट सेमेस्टर था अभी यूनिवर्सिटी में। बाकी शेरजील कैसे रहेगा, ग्रेजुएशन का क्या सीन है यार? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा एक दो महीने पता नहीं कितने महीने बोल रहे हैं, महीने भी नहीं है अभी, गुड सीन है, लेकिन गुड सीन है। बाकी अब हम निकलते हैं जेकी का एक विजिट करते हैं। फिलहाल तो ये हॉस्टल के सामने ये नज़ारा है, ठीक है। तो अभी ये मुझे लेके जा रहा है, पूरा एक टूर सा मारते हैं, ठीक है फिर आपसे मिलते हैं हम लोग। शेरजील बता रहा है हॉस्टल वगैरह सीन का, बताया ना बताओ क्या सीन है, स्टार्ट से बताओ क्या बता रहे थे। यार हमारे इधर 12 हॉस्टल हैं, उनमें से 11 लड़कों के हैं, सही। एक हॉस्टल नंबर 7 है, वो गर्ल्स हॉस्टल। बस मतलब लड़कियां बिल्कुल ही कम है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, मैंने ये देखा है, मैं यूटी में भी गया था। एक हॉस्टल मतलब एक हॉस्टल उन्हें दिया गया, बाकी उनकी रेजिडेंसीज हैं और भी। अच्छा और भी है, इधर उधर। मैं यूटी में गया था, यूटी में भी लोग रो रहे थे लड़कियाँ नहीं है, तो जेकी में भी आई थिंक सेम ही सीन होगा, जेकी में भी लड़कियाँ बहुत कम होती है ना यार। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के बॉयज का सेम सीन होता है। ये शेरजील कोई दोस्त आए यार, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, खैरियत है? बिल्कुल ठीक। 2000 years later, शेरजील का थोड़ा काम था, ये मैनेजमेंट साइंस फैकल्टी ऑफ किसके अंदर गए थे, इंजीनियरिंग साइंसेस और इन शॉर्ट एंटरटेनमेंट साइंसेस। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? FYP प्रेजेंटेशन है हमारी अगले वीक, तो उसके लिए टाइम स्लॉट पूछने गए थे पैनल से। अभी किधर जाना है? अभी हम टाक घूम रहे हैं, तो मैं जीकी का ट्रिप देने। अच्छा फुल ट्रिप है जीकी का? बेसिकली आज का जो ब्लॉग होगा ना, वो काइंड ऑफ मेरा एक ट्रैवल है, ठीक है, जीकी के अंदर, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा नहीं है चीज़ों का, तो वो घुमा रहे हैं, सारा कुछ मुझे दिखा रहे हैं। फैकल्टीज हमने देख ली हैं, बेसिकली स्टार्टिंग में इसमें 4 फैकल्टीज थी, क्या कहना बताएगा यार, इंजीनियरिंग साइंसेस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मटेरियल एंड केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब ये 4 स्टार्टिंग में बने थे, उसके बाद फिर जाके जो भी बने अभी बने। उसके बाद फिर मैनेजमेंट साइंसेस आ गई, फिर AI डेटा साइंस आते पढ़ते गए, सिविल इंजीनियरिंग भी आ गई बीच में। सही। और रात को सुनने में आ रहा है कोई एक हराम सा शो होने वाला है इधर, तो अभी कुछ खाते हैं हम लोग, खा के फिर आपसे मिलते हैं, और रात को जो शो होता है आपको दिखाएंगे। आई होप सो मज़े का होगा, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो कुछ ना कुछ खास हमें करके दिखाएंगे, लोग मिलते हैं। एक बहुत मज़े का सीन मुझे पता चला है, रेहान भाई जो कि शेरजील के दोस्त है, वो बता रहे थे कि स्टारबक्स और स्टारबक्स कोई ठीक है, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मगर पीछे बिल्कुल इस बंदे ने जो स्टारबक्स का लोगो है वही यूज़ किया है, बस नाम अपने लगाया इसरार और बॉक्स लगा हुआ है। यार ये बहुत हरामी सीन है इस बंदे ने ना, ये इसरार भाई की बस क्या ही बात है, गेम है, मतलब इसरार की गेम है, इधर की गेम है, यानी बाकी भी हैं लेकिन इसरार इसरार है, इसरार फिर इसरार, इसरार फिर इसरार है। सही है। बाकी हमने यार बर्गर कुछ खाने के मंगवाया, ठीक है, हल्का फुल्का वो खाते हैं, और फिर हमने जो है ट्रिप जो है ना यूनिवर्सिटी का, वो फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। A few inches later, खाना हमने खा लिया और अब दोबारा से हमारा जो जर्नी था वो स्टार्ट हो गया, व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया। अभी कहाँ जा रहे हैं यार? मैं अभी तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस। वैसे तुम्हारे रेहान भाई आपके हाथ में क्या है? यार कोई नहीं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स माफी इनके लिए माफी है। बाकी हेलीपैड में जा रहे, कहाँ जा रहे अभी यार? ये तो मैं ब्रेवर्स दिखा रहा हूँ, वो देखो वो देखो, इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट साइंसेस उसके स्टूडेंट्स आते हैं, उसके स्टूडेंट्स की फैकल्टी है ये। अच्छा, डिपार्टमेंट है ये, मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट है। सही सही। ये इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा, इंक्यूबेशन सेंटर यार काफी प्यारा बना है। 4 साल से मुझे खुद भी नहीं पता है क्यों है क्यों नहीं है, लेकिन बिल्डिंग बड़ा चिकना बना है, यूनिक है, डिजाइन इसका जो है ना काफी मजे का बना है। तो अभी वॉकिंग और व्लॉगिंग एक साथ जारी है, और नहीं ये नहीं दिखाते, मस्तुरा से दूर है ना भाई, ये नया बन रहा है, नया अच्छा हॉस्टल बन रहा है, ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ और बन रहा है। खैर तो व्लॉगिंग जारी है, ठीक है, जा रहे हैं आगे की तरफ। सुनने में आ रहा है कि ये जो पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी जो ज़मीन है ये पूरी जीकी की है, और अभी और भी इसमें फैकल्टीज बनने वाले हैं। रेहान बता रहे थे, रेहान क्या कौन कौन सी फैकल्टीज और बनने वाले हैं? AI फैकल्टीज आती जा रही हैं, AI तो आ गई है, और भी ज़्यादा आती जा रही है।
देखो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत कम है, पीछे स्पेस बहुत ज्यादा है, तो अभी ग्रेजुअली जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं फैकल्टीज को। अभी जैसे अभी लड़कियों के लिए हॉस्टल बन रहे हैं, अब ऐसे ऐसे देखो कि क्या करते हैं, लेकिन एक टाइम लगेगा ऐसे, लेकिन काफी एक्सपेंड कर रहे हैं। हॉस्टल दिखाना चाहेंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से कैसा बन रहा है? नहीं नहीं ये काम हम नहीं करते, ये काम मुस्कुराहट से बिल्कुल, अस्तगफुरुल्लाह, ये ट्रक है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि इसके अंदर ट्रक भी आते हैं। नमल में ना हम एक गिटार लेके नहीं जा सकते, गिटार के लिए बिना लिख के उनको मतलब उनके मिन्नतें कर करने के बाद बिना जाके वो बोलते हैं नहीं भाई गिटार से आवाज होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। और इस यूनिवर्सिटी में ट्रक लेके आ रहे लोग यार, कैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मगर नमल अपने हिसाब से बेहतरीन है यार, आला यार, कुछ नहीं बोल सकते। मगर जीके की अपनी गेम है, जीके की अपनी गेम है। ओके लड़के थोड़े और है यार। ये बॉयज बोले लाइब्रेरी दिखाना है। मैंने कहा यार मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, साफ साफ सी बात है, ठीक है। बाकी ये इंजीनियर ये खुद बोले पढ़ने वाले नहीं है, मगर फिर भी इन्होंने आप लोग को लाइब्रेरी जरूर दिखाना है। क्यों दिखाना है, लाइब्रेरी में ऐसा क्या होता है? लाइब्रेरी का जो काम है ना, जो बेसिकली उसका वो होता है, मोटिव होता है पढ़ने के अलावा दुनिया का हर काम हो रहा। हमारी लाइब्रेरी मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम यार? रेहान भाई थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो यार। सही है ना, वो समझ जाएंगे यार। आप लोग बच्चे नहीं है तो आप समझ सकते यार, ये फैमिली कंटेंट में बना रहा हूँ, क्या कर रहे हो यार। ट्रक तक ठीक था, ठीक है। अभी सुनने में आया कि इधर हेलीपैड भी है जहाँ के हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, ठीक है। और साल में कितना हेलीकॉप्टर आते हैं यार? जब कोई हाई साल में कितनी दो हेलीकॉप्टर आते हैं? हेलीकॉप्टर हम भी आते हैं, स्टूडेंट इधर आ गए ना, जहाज जहाज बन जाते हैं। इमरान खान या प्रेसिडेंट जब हमारी कॉन्वोकेशन होती है ना, या जब हायर गेस्ट आते हैं तब हेली आती है। बाकी स्पेसिफिक नहीं है कि साल में दो बार आएगी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सिंपल सी बात है यार। मतलब स्टूडेंट आके हवा बन जाते हैं, हवा में उड़ते हैं इधर आके, बाकी हेलीकॉप्टर साल में एक दफा आ जाती है। पेड़ की जगह से हम निकले हैं, अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ होते हैं इनके रेव। रेव रेव क्या होते हैं यार? रेव से रेव को बताओ। कॉन्सर्ट्स होते हैं यार, जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं ना ज्यादातर जो सोसाइटीज कराती हैं वो सारी इधर होती हैं। और रेव वो होती है, पार्टी होती है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लगता है उस पे, डांस पार्टी है वो। बिल्कुल सही, डांस होता है। अच्छा जिस तरह न्यू ईयर का कायद अजम में होता है, बंदे रिलेट कर सकते हैं जो कायद अजम जाते हैं न्यू ईयर रात को। बाकी ये अंदर जो सीन होता है, फैकल्टी क्लब है। अच्छा जो हमारे डिपार्टमेंट्स के फैकल्टी टीचर्स होते हैं उन सब की जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं या डिनर्स होते हैं वो सारे इधर होते हैं, या बाहर से जो गेस्ट आते हैं वो इधर आते हैं। सही। अच्छा तो यहाँ ये इस ग्राउंड में होती है? अच्छा ऊपर वो जगह नजर आ रही है, उधर होती होगी। सही। यहाँ पे बॉनफायर भी है, उसके वो चीजें पड़ी हैं। अक्सर सोसाइटीज वाले अपने ना फॉर्मल डिनर्स इधर कराते हैं। अच्छा इस जगह पे। हाँ, इधर अंदर डिनर। सही। और रात का क्या बताया था रेहान? रात क्या? रात की बॉनफायर हुई है, मेरे ख्याल से आज रेव थी लेकिन शायद आज नहीं है, फिर कल होगी। कल रेव है। कल रेव है। सुबह शायद ऑटो शो है और रात को रेव है। तो आज क्या सीन है? आज शायद कुछ और हो, आज कुछ होगा इनका सोशल, लेकिन वो शायद क्लोज गैदरिंग होगा, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से कल। मतलब आज कोई ओपनिंग सेशन होगा जिसमें हम नहीं जाएंगे, हम अपना शुरू में लगाएंगे, वो अपना सीन करते हैं, तो कल देखते हैं कल क्या होता है। बिल्कुल ये बात है, आज हम अपनी पार्टी करेंगे, वो लोग अपनी करेंगे, कल हम सारे मिलके पार्टी करेंगे। लेकिन आपको बताना है, पता चला है कि जेकी की स्टार्टिंग में जहां हम बैठेंगे, स्टार्टिंग मेन गेट है इधर सामने ऊपर, वो उधर ऊपर एक कैमरा लगा है, वो ऊपर कैमरा लगा है, और वो कैमरा जो है वो 360 कैमरा है, ठीक है, जो कि पूरे जेकी का एक व्यू लेता है। और मैं ऊपर, हम जब गए थे हेलीपैड पे जहाँ मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, वहाँ जाके मुझे पता चला था, और अभी मैंने देखा यार काफ़ी ऊपर है कैमरा, मुझे लगता था कि कहीं कोने वोने में है, मगर इस हिसाब से सही में मतलब पूरा 360 दिखाता है। हाँ, 360 काफ़ी हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। कितना हो सकता है? क्लियर व्यू होगा ना यार? वो क्लियर व्यू इधर पीछे, हम जहाँ ईएस फैकल्टी जहाँ पे मैंने अपना काम कराया था उस फैकल्टी के स्टार्टिंग तक इजीली जूम करता है। पीछे हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल, उससे भी पीछे उनकी छतों पे क्लियरली जूम आउट करके बंदा आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं यार, हाँ मतलब थोड़ा जेकी के अंदर बच के चलना पड़ेगा, ये एक अजीब सी नहीं, इस तरह की चीज़ मेरे किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं दिख रही, जेकी मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इस तरह का कैमरा लगा हुआ है। Tomorrow. फुटबॉल खेलने का बोले लड़के, ठीक है, मैंने कोई 2-3 साल से फुटबॉल नहीं खेला, आज दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने सारे चित्राली और गिलगिती हैं, ठीक है, गेम गिलगिती भी है। अच्छा हम लोग सारे चित्राली गिलगिती हैं, गेम खेलते हैं और थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि मेरा क्या हाल बनता है, तो मिलते हैं आपसे गेम खेलने के बाद। भाई कोई 40 मिनट का गेम हुआ और हम जीत गए, ठीक है, अभी ये लोग नहीं मारे, हमें जूस नहीं पिला रहे यार, पता नहीं क्या सीन होगा। शशि क्या कहते हैं, जूस क्यों नहीं पिला रहे भाई, क्यों नहीं पिला रहे जूस? हाँ जो गोल्डन गोल बोला था भाई, क्या हुआ?
क्या हुआ भाई, क्या हुआ? गेम हार गए ना? हारने के बाद ना, हारने के बाद मान लेना चाहिए। गोल्डन गोल भी आप खुशी से बोल रहे थे, जिस तरह से आप गोल्डन गोल बोल रहे थे ना, अभी आपने हमें जूस पिलाना है यार। ये लोग अभी छुप रहे हैं, नहीं पिला रहे, मगर बहुत दिन बाद मैंने गेम खेला और मतलब कोई काफी अच्छा स्टेमिना है, मुझे नहीं लगता मैं इतना गेम खेल पाऊंगा, मगर बहुत मजा आया। अभी जा रहे हैं ओरियो शेक पिलाने के लिए, अपना हार इन्होंने तस्लीम कर लिया है और सारे बॉयज आ रहे हैं। कल वाला मेरा भी है। क्या चीज कल वाला? आज के गेम की बात करो। हमें खाने खिलाया, हम छह बंदों को सारे पैसे वाले तुम्हें दिए थे, ठीक है? बाद में कोई बाहर आना बनाए भाई, मेरे किधर है मेरे चहलते हुए इधर आ जाओ। छह छह यहाँ वहाँ चपाती हुई है पिछले पहली सेमेस्टर से, मैं यही पेन तैयार हूँ भाई। यार मजा आ रहा है यार, गेम बहुत अच्छा गया। अभी जा रहे हैं कुछ खाते हैं और देखते हैं क्या खाने को मिलता है, जो भी मिलता है, मगर रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है ना गेम खेलने के बाद, इतना तो होना चाहिए। बाकी शर्जील ने जो गोल मारा है यार, ओ भाई शर्जील अच्छा गोल मारा था, गोल मारा था। हाँ यार गोल मारा था, मैंने कल के मैच में मारा था। झूठ बोल रहा है भाई, शर्जील ने कोई गोल नहीं मारा, कल 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 मारा था, कल पीछे कीपिंग कर रहा था, ठीक है, बॉल ला रहा था पीछे से, बॉल ला रहा था, गोल नहीं मारा था, मगर गोल पे शर्जील खड़ा था। अभी ठीक हो गया भाई, जो मैच हार गए थे अभी दोबारा हम कॉफी पीने आए, अभी डिसीजन हो रहा है कि क्या खाना है। जिया क्या खाना है यार? यार मैं तो इनसे कह रहा हूं पिज्जा खिलाओ, वही होगा। टैंक का फ्लेवर बताओ यार। टैंक भाई आज शेक, आज पावर शेक, इसी चीज में सॉरी के बाद टैंक खिला रहे हैं। मैं बहुत भागा हूं ओरियो शेक, देखो ओरियो से नीचे मैंने बात ही नहीं की। भाई आखिरकार मेरा ओरियो शेक आ गया, बाकी बच्चों के लिए क्या मंगवाया? टैंक, टैंक ले गए ना कृपा साहब? बाकी सब टैंक टैंक ले गए ना? टैंक ले गया है। और मेरा ये ओरियो शेक यार, उफ, ओरियो शेक पीते हैं। यही तक था आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ज्यादा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।